गुड मॉर्निंग। आज हम परसेंटेज का लेक्चर नंबर 15 आपके बीच लेकर आया हूँ, ठीक है ना। आप लोग अच्छा से वीडियो देखिएगा। पहले हम लोग पिछले क्लास में जो बात किए थे परसेंटेज का बारे में, वो हम लोग थोड़ा सा जो इसके बारे में थोड़ा कहानी हम सुनाए थे, वो आय और व्यय पर टॉपिक था, नहीं खर्च और इनकम पर। इनकम मतलब आय और खर्च पर। पिछले क्लास हम कहानी ऐसे ही कुछ बताए थे आय और खर्च पे। कहानी क्या था पिछले क्लास, ये था कि कहने का मेरा मकसद ये था कि मान लेता हूँ एक लड़का था, ठीक है ना। पिछले क्लास का जो टॉपिक चल रहा था ये एक क्वेश्चन रिवीजन करा देता हूँ, उसके बाद मैंने आगे बढ़ूँगा, ठीक है ना। आप देखिए जी, मैं ये बोले थे, आप क्या बोले थे जानते हैं? नहीं, पिछले क्लास हम ये बोले थे, अजय एक लड़का है जिसका आय पता नहीं है, ठीक है ना। जबकि वो बोल रहा है क्या, शिक्षा में 30% खर्च कर रहा है, ठीक है ना, और परिवहन में 20% खर्च कर रहा है, ठीक है ना, और शिक्षा में 30%, परिवहन में 20%, ठीक है ना, और उसके और क्या कह रहा है, अपनी मानसिक वेतन और 50% वो भोजन में 50% खर्च कर रहा है, ठीक है ना, भोजन में वो 50% खर्च कर रहा है, और रूम मकान खर्च, मकान खर्च उसका 1500 रुपया पड़ रहा है, ठीक है ना। कितना? 1500 रुपया मकान खर्च। और जो बचत होता है, बचत वो होता है 2000 रुपये। बचत कितना होता है उसका? 2000 रुपया होता है, या तो हम लिख सकते हैं 3000 रुपया, ठीक है ना। अपने से ले रहा हूँ क्वेश्चन, तो 3000 रुपया। तो बताओ इसका आय क्या था? तो आय नहीं पता है। ये क्वेश्चन जो बनाने का हम लोग तरीका है इसका, ऐसे बनाइए गाइस, एक्स इंटू, ठीक है ना, 100 में 30% सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा बटे 100 इंटू, उसके बाद 100 में 20% सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा डिवाइडेड बाय 100 इंटू, 100 में 50% सब्ट्रैक्ट कर दीजिए डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 में, बस इतना ही था ना। और मकान खर्च कितना था? 1500 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, बचता कितना था? 3000 रुपया लिख दीजिए, ठीक है ना, बस सेपरेट हो गया। आगे बढ़ते रहिए, x इंटू 70 बाय 100 इंटू 80 बाय 100 इंटू 50 बाय 100, ठीक है ना, माइनस 1500 लिख दीजिए, ठीक है ना, उसके बाद 3000 लिख दीजिए, ठीक है ना, और उसके बाद आप आगे बढ़िए जी, ये इससे इससे कटा दीजिए, इसको इससे कटा दीजिए, इसको इससे कटा दीजिए, ठीक है ना, ये एक बार में, ये दो बार में, ये देखिए चार बार में, ये पांच बार में, ठीक है ना, इंटू 7/10 इंटू 4/5 इंटू 1/2 माइनस 1500 इज इक्वल टू 3000। आय और व्यय पर मतलब इनकम और खर्च पर कोई भी क्वेश्चन आप आ जाना, आप पहले ऐसे उतार लीजिएगा और धड़ाधड़ ऐसे ही बनाइएगा, ठीक है ना, आप ऐसे ही बनाइएगा। इसको कटा दीजिए, ये कट जाएगा आपका पांच बार में, ये दो बार में, ये दो से दो क्या हो गया, ख़त्म हो गया, ठीक है ना। तो आपका बचा क्या जी, 7x
ये इधर चल जाएगा, ठीक है ना, बटे 25 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 45, ठीक है ना, 4500, क्योंकि ये इधर जाके ऐड हो गया गाइस, ठीक है ना, माइनस में था उधर चला गया वो प्लस हो गया, ठीक है ना। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना, तो 7x बचेगा ना, 7x बचेगा, हाँ। उसके बाद 4500 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 7। अब इसको आप ये इधर ले आए, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जो आंसर होंगे वो x इज इक्वल टू जो भी आएंगे वही आपका क्या होंगे, आए होंगे, क्या होंगे, आए होंगे, ठीक है ना। आप सॉल्व कर लीजिएगा, आगे कर सकते हैं सॉल्व, ठीक। एक और क्वेश्चंस लेते हैं, आप सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए यही क्वेश्चंस है आपकी बार, क्या करेगा देखिए, बोलेगा क्या, सब यही है, ठीक है ना, आपकी बार बोलेगा आय दे दिया है 20,000 रुपया, बोलेगा कुल बचत क्या होगा, कुल बचत व्हाट, ये फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे गाइस, इसको भी x मान सकते हैं, इक्वल टू x लिख सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट इसको बनाइए ना ऐसे, 20,000 इंटू, मान लेता हूँ ये बदल दिए, 40 कर दिए, ठीक है ना, शिक्षा में 40% आपके बार इंक्रीज कर दिए, तो 60/100 इंटू 80/100, उल्टा सोच रहा है याद रखना है, और 50/100 और मकान खर्च 1500 रुपीज़, ठीक है ना, ये लिख दिया, रुपीस लिखिए ना लिखिए बात बराबर है, ठीक है ना। तो आप देखिए पहले यहीं कटाइए, ठीक है ना, कैसे कटाए हो तो आप लोग देखते ही होंगे जी, ये सब बच्चा वाला चीज है, कितना हुआ जी, 4, एक जीरो और लगा दिए, 2 जीरो बचा हुआ है, फिर ये काट दिए 8 बार में, तो कितना हुआ गाइस, 800, ठीक है ना, कितना हुआ 800 बचा, और यहाँ पे गुना 3 गुना 4, ठीक है ना, और कुछ बचा था क्या, हाँ, 4 की जगह पर हम लोग 2 ही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि एक और भाईबा था उसने इसको छोटा कर दिया, और माइनस 1500, हाँ, 10, 6, 4800, उसमें से 1500 घट जाएगा, बचेगा क्या गाइस, आप ही बताइए ना, 4800 में आप क्या करें, हम लोग 1500 को घटा देंगे, बचेगा 0, 0, 3, 3, तो इतना कुल बचत मेरा जो बचता था सब खर्च करके इतना ही, ठीक है ना, यही आपका क्वेश्चंस का आंसर्स होंगे, ठीक है ना। तो कल हम लोग इसी पे क्या किए थे, चर्चा किए थे, ठीक है ना, खर्च और इनकम पे, मतलब आय पे, ठीक है ना, इसी पे हम लोग क्या किए थे, कल चर्चा किए थे, ठीक। आगे हम लोग आज बढ़ते हैं गाइस, आज हम लोग चुनाव पर आधारित कोई प्रश्न देखेंगे, ठीक है ना, चुनाव पर आधारित, ठीक है ना, किस पे आधारित, देखिए चुनाव पर आधारित, चुनाव, आज हम लोग का टाइप नंबर शायद 8 होगा, टाइप नंबर शायद 8 या 9 कुछ ऐसे होगा, ठीक है ना, वो होगा चुनाव पर रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है, चुनाव पर आधारित क्वेश्चन, आधारित प्रश्न क्वेश्चन, आज हम लोग नया कॉन्सेप्ट की ओर जा रहे हैं, चुनाव पर आधारित। हम लोग आज इस पे जो चर्चा करेंगे वो क्या देखेंगे गाइस, चुनाव पर आधारित प्रश्न है, तो इसमें आपको चुनाव, इसमें एक चीज़ जानना पड़ेगा आपको,
ये जानना पड़ेगा कि आपको कोई भी चीज़ मान लेते हैं वोट देना है तो 100% होगा वोट। जब भी आप लोग दो आदमी हैं मान लेते हैं, वोट तो आप बोलिएगा कि मान लेता हूँ इस एक मोहल्ला है, एक गांव है, गांव में मान लेते हैं 50 ही कैंडिडेट क्यों ना हो, ना 60 कैंडिडेट हो या 100 कैंडिडेट हो, मुझे उससे कोई मकसद नहीं है। उसी में से बोलिएगा कि यहाँ पे 100% जो वोट है वो मेरा है। अब इसी से लेकर पंचायत जाइएगा, फिर प्रखंड जाइएगा, डिस्ट्रिक्ट जाइएगा, देश, फिर वो आप राज्य जाइएगा, फिर देश जाइएगा, तो बोलिएगा मेरा इतना करोड़ है, इतना ये है वो है, इतना आदमी है मेरा, इतना वोट, इतना परसेंट वोट मिला, इतना परसेंट नहीं मिला, वो इतना परसेंट से हार गया, ये इतना परसेंट से जीत गया। बातें चलती है ना, हम लोग देखते हैं, वो उसी पर आधारित प्रश्न है ये। तो बातें करेंगे, मान लेते हैं दो उम्मीदवार है, ठीक है ना, कितने उम्मीदवार हैं, दो उम्मीदवार हैं, जबकि एक उम्मीदवार है गाइस, दो उम्मीदवार हैं, ठीक है ना, उनमें से बोल रहा है क्या, एक उम्मीदवार है उनको 40% वोट मिला, दूसरों को कितना परसेंट वोट मिला, 40% वोट मिला, ठीक है ना, उसी प्रकार एक को 55% मिला, तो दूसरा को कितना मिलेगा, मान लिया जाए टोटल 2 कैंडिडेट है, ठीक है ना, कितना उम्मीदवार है, उम्मीदवार मान लेता हूँ 2 उम्मीदवार है, ठीक है ना, वोट है 100%। बातें पल्ले पड़ेगा, देख लीजिए कैसे, टोटल 100% वोट है। बोलता है पहला व्यक्ति को फर्स्ट पर्सन को 40% वोट मिलता है, कितना 40%, तो बताओ सेकंड पर्सन को वोट कितना मिलेगा। आप क्या कीजिएगा, 100 - 40 इज इक्वल टू 60%, ठीक है ना, ऐसे ना होगा, ये आप थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा एग्जांपल से। दूसरा देखिए, मान लेता हूँ टोटल 2 उम्मीदवार है, ठीक है ना, कितना उम्मीदवार है, 2 उम्मीदवार है, ओके, उनमें से टोटल वोट है 100%, मान लो कितना परसेंट है, 100% है, ठीक है ना, कितना परसेंट है गाइस, 100% से, ठीक है ना, एक को मिलता है 40%, तो बताओ दूसरे को कितना मिलेगा, 60% मिलेगा या नहीं मिलेगा, कितना परसेंट मिलेगा, 60% है। यह फर्स्ट उम्मीदवार था और ये सेकेंड उम्मीदवार था, ठीक है ना, तो यहाँ पे जो वोट का कलेक्शन होता है, चुनाव पे जो हम लोग का काम होता है गाइस, इसी पे होता है, उसमें से देखिए एक वोट हारने वाला होता है, एक वोट एक होता है उम्मीदवार हारने वाला। देखिए हमारा कहने का क्या मकसद है, देखो मान लिया जाए इसमें दो प्रकार चुनाव पर आधारित जो क्वेश्चंस है, मेरा आधार प्रश्न है, क्वेश्चंस है, मेरा कहने का मकसद ये होता है, यहाँ पे जो हमारे प्रश्न है ना, जो प्रश्न बनेंगे, ठीक है ना, ये बनेंगे, मान लेता हूँ कि ये चुनाव पर आधारित है, अगर चुनाव होता है, ठीक है ना, वोटिंग होता है, चुनाव होता है, इलेक्शन होता है, इलेक्शन होता है, तो फिक्स है 2 कैंडिडेट होता है, कभी कभी 3 भी होता है, उससे कोई टेंशन नहीं है, 4 भी हो सकता है, उससे कोई टेंशन नहीं है। पहले हम लोग 2 पर बेस, हम लोग 2 पे अच्छा से समझते हैं, पहले हम लोग 2 कैंडिडेट पर काम अच्छे से करेंगे, उसके बाद 2, 3, 4 कतनों रहे तो आप दरदरवा के अपने से निकाल सकते हैं जी। आप देखिए तो 2 कैंडिडेट पे मान लेता हूँ, ये पहला कैंडिडेट है,
फर्स्ट है, ठीक है ना। यहाँ पे जो कैंडिडेट है ना, सेकेंड कैंडिडेट है, और ये आपका जी फर्स्ट कैंडिडेट है, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ठीक है ना। इसको अगर 40% वोट मिला तो इसको ऑफिशियली कितना परसेंट वोट मिलेगा? 60% वोट मिलेगा, क्योंकि वोटर जितने भी है, मान लेता हूँ 2 है 4 है 100 है 1 लाख है, जितने भी है, अपने आप में टोटल कितने परसेंट होते हैं? 100% वोट होते हैं, ये याद होगा। मान लिया जाए पहला को अगर 40% मिला तो दूसरा 60% मिलेगा, 100% है, नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा अजी, आप ही बताइए ना, मिलेगा ना? हैं, कितना मिलेगा? इतना मिलेगा, ठीक है ना। तो आप ही बताइए, तो एक को 40% मिला, दूसरों को 60% मिला, ठीक है ना, कितने मिले? 60% मिले, ठीक है ना। एक को 40%, ये 60%। कहने का मतलब है एक हारने वाला होता है, एक जीतने वाला होता है। कोई बोलेगा कि ये 60% से हार गया, ये 40% से जीत गया। कभी कह सकता है 60% से जीत गया, ये 40% से हार गया, ठीक है ना। एक को अगर 60% मिला, दूसरों को 40% मिला, मान लिया जाए एक को 60% दूसरों को 40%, अब कुल उम्मीदवार कितने थे गाइस? मान लेते हैं 1000 थे, सॉरी गलत, कुल वोटर कितने थे गाइस? 1000 थे, कुल वोटर कितने थे? 1000 थे, ठीक है ना। तो एक को 60% मिला, दूसरों को 40% मिला, टोटल 100% था, टोटल कितने थे? 100% था, ठीक है ना, टोटल क्या था? 100% था। तो आपको ये बताना है दोनों उम्मीदवार का मत जो वोट था ना, वोटों का अंतर क्या होगा। तो आप बताइए जी, 60% में आप क्या करेंगे? 40% को घटा देंगे क्या? घटाइएगा ना, आप घटा दिए तो बचा कितना? 20% वोट, सॉरी 20% ना वोट मिलेगा, हैं? तो ये जो 20% वोट है, वोटों का अंतर हम लोग देखें कितने, देखें 20%, तो कुल मत मतलब बोला जाए ना, कुल मतों का 30% इज इक्वल टू 1000 होगा। कुल मत कितने हुए? 20%, देखो यहाँ पे बताते हैं, कुल मत कितने थे? कुल मत का 20% इज इक्वल टू 1000, ठीक है ना। तो कुल मत, टोटल वोट इंटू 20/100 इज इक्वल टू 1000, ठीक है ना। तो कह सकते हैं हम लोग इससे ये कटा देंगे 5 बार में, टोटल वोट इज इक्वल टू क्या होंगे गाइस? ये ऊपर से कटा दिए, बचे 50, तो यहाँ पे देखिए इंटू 1/50, सॉरी यहाँ पे 1/100 होगा, इज इक्वल टू 50, तो कितने हुए? टोटल वोट इज इक्वल टू 5000, कितने वोट थे बताइए, तो आप ही बताइए, कुल मत कितने थे? 5000 थे। तो अगर कुल मत निकालने बोले तो आपको क्या करना है,
एक को 40% मिलेगा, कुछ कुछ मिलेगा, क्वेश्चन में लिखा रहेगा। आपको टोटल 100% लेना है गाइस। क्या लेना है? आप ही सिखा रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं बनवा रहा हूँ। आप देखिए, अगर कुल वोट आपको निकालने बोलेगा, पहला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। देखिए, मान लिया जाए, इसी पर आधारित एक दूसरा एग्जाम्पल्स मैं समझाने की कोशिश करूँगा आप लोगों को, ठीक है ना। अब देखिए, हम चुनाव पर आधारित प्रश्न है आज, ठीक है ना। थोड़ा हमको समझाने में लेट लगेगा, आप लोग थोड़ा कोशिश कीजिएगा समझने का। देखिए, कहने का मकसद मेरा ये है, मेरा क्या मकसद है, मान लिया जाए 100% वोट मिला, कितना परसेंट? 100%। 100% वोट में से एक को मिला 30%, दूसरे को मिला 70%। कुल वोटर कितने थे? कुल वोटर मान लिया जाए 1500 था। कितना था? 1500 था। कोशिश तो यहाँ पे देखिए, मतों का अंतर निकालिए, मतलब वोटों का अंतर निकालिए। मान लिया जाए इसको 30% वोट मिला, इसको 70% वोट मिला, तो वोटों का अंतर, डिफरेंस ऑफ वोट इज इक्वल टू 70% माइनस 30%, तो 40% हुआ। वोटों का अंतर 40%, कुल वोट का 40% इज इक्वल टू 1500, ठीक है ना। ऐसे निकालिएगा, कुल देखो, टोटल वोट इंटू 40% डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 1500 इज इक्वल टू 1500। तो आप क्या कीजिए, 1010 कट गया, ठीक है ना। आप इसको भाग लगाइए, सीधी सी बात है, टोटल वोट इज इक्वल टू 1500 इंटू 100 सॉरी गाइस इज बटे 4, ठीक है ना। इसको कटा दीजिए 25 बार में, तो 150 इंटू 25 तो हो जाएगा यहाँ पे आपका 25 और 15, 15 पचे 75 के 5 और 15 दुना 30, 75 और 30 कितने होंगे, 75 के 5 हाथ में रहा 7, 30 37 मतलब 375 0, 3750 कितना हुआ, 3750। इतना कुल वोट थे, टोटल वोट कितने थे, 3750। वोटों का अंतर 40%, इतना वोट थे, ठीक है ना, 3750। अब कैसे बना, एक क्वेश्चंस में लेता हूँ। कुल वोट निकालने बोले तो आप ऐसे निकालिएगा, ठीक है ना। ऐसे ही आप क्या कीजिएगा, फाइंड कीजिएगा, अंतर निकाल लीजिएगा। कुल वोट, कुल वोट का अंतर जितना आएगा 10% 20% उतना का टोटल वोट जितना होगा। एक क्वेश्चंस में लेता हूँ। अब देखिए, हम क्वेश्चन पढ़ते हैं गाइस, सुनिएगा कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का, मान लेते हैं कुल मतों का 65% वोट मिला था, प्राप्त हुआ था, और वह 900 वोटों से विजयी हुआ। 900 वोटों से वो क्या हो गया, जीत गया, ठीक है ना। कितने वोटों से जीता था? 900 वोटों से। और मतदान की सूची में कितनी मतदाताओं के नाम दर्ज हैं, तो बताइए 900 वोटों से जब जीता ये मतदाता, कितनी मतदाताओं ने, कितनी मतदाताओं के नाम दर्ज थे, कितनी मतदाताओं का नाम दर्ज थे, अगर फाइंड करना है
तो बोल रहा है कि मान लिया जाए दो उम्मीदवार था, ठीक है ना, 100% वोट मिला होगा जरूर, ठीक है ना। तो आप देखिए, इसको अगर 65% वोट मिला, 100 में 65% वोट मिला, तो इसको कितना मिला होगा, 35% वोट मिला होगा दूसरा उम्मीदवार को। जबकि ये जब जीता, ये 900 वोटों से क्या हुआ था, विजयी हुआ था, जीत हासिल किया था, ठीक है ना, 900 वोटों से जीत हुआ था। तो इसका अंतर देखिए कितने होंगे गाइस, अंतर 30%, 30% अंतर हुए। कुल मतदाताओं एक्स का 30% इज इक्वल टू 900, ठीक है ना, ऐसे ही ठीक। तो आप देखिए इसको सीधे एक्स गुना 30/100 इज इक्वल टू 900। ये 0-0 कट गया, ये 23 बार में कट गया, ये गुना हो गया। तो कुल मतदाताओं की जो जीत थी वो 3000 थी। कितने थे गाइस, 3000 थे कुल मतदाताओं, कितने थे 3000 थे, ठीक है ना। कुल मतदाताओं कितने थे जी, 3000 मतदाताओं ने इसको क्या किए थे, वोट दिए थे। 3000 मतदाताओं का नाम वहाँ पे दर्ज हुआ था, ठीक है ना, ये भी बोल सकते हो। अब एक दूसरा चुनाव है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, ऐसे ही बनाना है, ठीक है ना, आप टेंशन नहीं लीजिएगा, ऐसे ही आपको क्या करना है, बनाना है। दूसरा क्वेश्चन भी वही है, बोलता है किसी चुनाव में ए और बी दो प्रत्याशी है, उम्मीदवार बोले प्रत्याशी बोले कुछ भी बोले, हमको उससे क्या फर्क पड़ता है। जबकि ए को कुल मतों की 45% वोट मिला, किंतु 1000 वोटों से वो हार गया। तो हार गया जीत गया बात तो वही है, ठीक है ना। तो देखिए जी कितना आसान मेथड है, आपकी बार ये जीतना वाला, ये देखिए ये जीत वाला और एक क्वेश्चन हम अपने मन से लेके बनाते हैं, उसके बाद हार वाला बताएंगे, ठीक है ना। अब देखिए मान लिया जाए गाइस, देखिए आपको कहने का मतलब ये है, एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ अपने मन से, ये एग्जांपल लेता हूँ, तो उसके बाद हम 100% किसी को अगर वोट मिलता है तो कितना मिलता है, किसी को अगर वोट मिलता है तो कितना मिलता है, 100% मिलता है, ठीक है ना, कितना मिलता है 100%। किसी को यदि वोट, देखिए मेरा गलत जवाब था, उसमें गलत बोल रहे थे, हम ये बोलना चाह रहे थे टोटल वोट्स कितने होते हैं गाइस, 100% हुए, उनमें से बोला कि एक को मान लिया जाए 40% वोट मिला, दूसरों को 60% वोट मिला, तो मिला तो बात है, जबकि वो विजय 2000 वोटों से हुआ, कितने वोटों से हुआ, 2000 वोटों से, उसकी जो विजय हुआ 2000 वोटों से, वो विजय हासिल किया मतलब जीत हासिल किया, लिख देता हूँ यहाँ पे जीत हासिल किया। तो पहले तुमको क्या करना है, मतों का अंतर निकालना है परसेंटेज में, 20% होगा किसका, कुल वोट का, कुल वोट 100% था, तो टोटल वोट का 20% इज इक्वल टू 2000। तो कुल हम लोग उम्मीदवार देखना है, कितना उम्मीदवार आया था, कितना उम्मीदवारों का नाम दर्ज हुआ था, ठीक है ना, तो वो पता करना है। जीत पर अभी क्वेश्चन बना रहे हैं, आपकी बार हार पर यही क्वेश्चन, हार पर कैसे बनाते हैं देख लीजिए, कोई चंजाव नहीं है जी, आप कटाइए तो एक बच गया बस, तो इज इक्वल टू ये आएगा कितना आपका,
100 गुना 100 बराबर 10,000 उम्मीदवार का नाम दर्ज हुआ था। कितने हैं? 10,000 उम्मीदवारों का नाम दर्ज हुआ था। तो जीत पर रहे हार पर रहे क्वेश्चन ऐसे बनेगा, दोनों पर ऐसे ही बनेगा। आप देख लीजिए, वो हार पर बता देते हैं। मान लिया जाए यही चीज हारना 500 वोट से हार गया, ठीक है ना, 40% वोट मिला उसको, कुल मतों का 40% मिला, तो दूसरों को कितना मिला होगा, दूसरा कैंडिडेट को जीतने वाला को 60%। तो बोला है कि हारने वाला को इतना वोट मिला, ठीक है ना, तो सीधी सी बात है 500 वोट मिला इसको, कुल हारना हारने जो हार गया होगा ना, वो 500 वोटों से क्या हो गया, हार गया, तो सीधी सी बात है डिफरेंट निकालिए, वही 20%, तो कुल वोट का वही होगा, टोटल वोट का 20% इज इक्वल टू 500, ठीक है ना, तो सीधी सी बात है ना। तो देखिए आगे बढ़िए, इसको x मान लिए इनटू 20/100 इज इक्वल टू 500, 0, 0, ये 25 बार में कट गया, तो 2500 वोटों से वो क्या हो गया था गाइस, हार हो गया था। हार उसका कितना वोटों से हुआ था, 2500 उम्मीदवारों का, सॉरी 2500 उम्मीदवारों का नाम दर्ज हुआ था इसका, ठीक है ना, जिसके कारण वो हार गया, ठीक है ना, ठीक है ना। एक क्वेश्चन से दूसरा नंबर, बोलता है किसी चुनाव ए बी की दो प्रत्याशी है, ए को कुल मतों का 45% मत प्राप्त हुए थे, किंतु वो 1000 वोटों से चुनाव हार गया, ठीक है, तो कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। चलो कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात करेंगे, नहीं तो देखिए इसको कितना वोट मिला था। मान लिया जाए यही क्वेश्चन से, कुछ नहीं है, हार पर आधारित है, ठीक है ना, इसको 45% मिला, तो इसको कितना मिला होगा, 65%, नो गाइस 55%, ओके, इसको डिफरेंट निकालो, डिफरेंट निकालेंगे तो कितना होगा गाइस, 10%। तो कुल मत कितना मिला था, 1000 वोट से क्या हुआ था, हार गया था, 1000 वोटों से 1000 वोटों से इसका हार हुआ था, ठीक है ना, तो मान लेता हूँ कुल मतदाताओं को नहीं पता है, तो x का 10% इज इक्वल टू 1000, तो इज इक्वल टू 10,000 उम्मीदवार, इसको कितना, 10,000 मतदाताओं, कुल मतदाता कितना था इसका बताइए, तो 10,000 था, कितना था जी, कुल मतदाता, कुल मत कितने थे इसके पास, 10,000 था, नहीं कितने थे, कुल मतदाताओं की संख्या कितना था जी, 10,000 था, कुल वोट मतदाताओं मतलब वोट देने वालों की संख्या 10,000 था, ठीक है ना, ये आपका 10,000 था। आपकी बार है जी, कुछ ऐसी क्वेश्चंस है, एक चुनाव में 3 उम्मीदवार ने भाग लिया, ठीक है ना, देखिए आपकी बार बोले ना 3 उम्मीदवार वाला आ गया, ठीक है ना, तो देखिए कुछ तो कंडीशन दिया ही रहता है ना, क्वेश्चंस को आप पढ़िए, बोल रहा है क्या, एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया, जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मत मिला और तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवारों को 25% मत मिला, यदि दूसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 4500 मत से चुनाव हार हो, तो कुल कितने मतदाताओं ने मतदान किया,
कुल मतदाताओं ने मतदान कितना किया वो पता करना है मुझे, ठीक है ना? क्या पता करना है? वो पता करना है। तो पहले पता चल गया गाइस कितने थे, 45। उसके बाद तीसरे उम्मीदवार कितने थे, 25%। तो दूसरा तो अपने पता चल जाएगा जितना होगा ना होगा, ठीक है ना? तो चलिए, एक उम्मीद एक कोई चीज़ का वोट हुआ, देखिए मान लिया जाए वोट तो 100% ही होगा, वो तो बेस है आपका, ठीक है ना? आदमी कैंडिडेट कितनों भी खड़ा हो जाए उससे हम लोगों को कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है ना? उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है हम लोगों को। देखिए जी, कहने का क्या मतलब है, 100% वोट मिला, तीन उम्मीदवार हैं, कितने उम्मीदवार हैं, तीन उम्मीदवार हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है ना? एक को वोट मिला, बोल रहा था 45% कुछ ऐसी, क्वेश्चन में देख लेते हैं, 45%, ठीक है ना? जबकि तीसरों को 25%, 45, 25, तो इसको कितना मिलेगा, 30%, ठीक है ना? बी को 30%। तो देखिए क्वेश्चंस में क्या बोल रहा है, फिर से एक बार समझिए क्वेश्चंस को, इतना तक लिख लिए, ठीक है ना? जो बोला था उतना लिख लिए। उसके बाद क्वेश्चन ने क्या बोलता है, जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मत मिला था, जबकि कि तीसरे उम्मीदवार को दूसरे तीसरे स्थान पर 25% मत वोट मिला था, दूसरे उम्मीदवार को 45% से वो हार हो चुका था, ठीक है ना? तो किसको, इसको हार जो हुआ था बी को ना, वो 45 उम्मीद वोट से 4500 वोट से इसको क्या हुआ था, हार हुआ था। नहीं तो इसमें इसको देखिए डिफरेंट कितना है, 15% है ना, है ना? तो टोटल का 15%, इज इक्वल टू 4500। यही करना ही है सब क्वेश्चन में, कुछ करना है। पहला दो ले लिए, ठीक है ना? उसके बाद अब देखिए गाइस, ये कटा दिए तीन बार में, 300 हो गया, ठीक है ना? अब देखिए टोटल वोटर पता करना है, बस 30,000 टोटल वोटर कितने वोट दिए थे, 30,000 वोटर ने वोट दिए थे, बस पता चल गया। कितना आसान क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन इस पर आधारित लेता हूँ, ठीक है ना? देखिए अब देखिए क्वेश्चंस क्या रहेगा, मान लेता हूँ यही क्वेश्चंस है, डाटा चेंज कर देता हूँ खाली, यहाँ 25% कर दिए, यहाँ पे 30% कर दिए, ठीक है ना? तो आप बताइए, आपकी बार जो इसका हार हुआ था 4,000 वोटों से हार हुआ था, 4,000 नहीं 6,000 वोटों से मान लिया जाए, इतना वोटों से इसका हार हुआ था। क्वेश्चन सेम है, अब इसमें इसमें डिफरेंट दिखेगा इस, तो 20% का होगा। तो टोटल वोट का कुछ नहीं करना है, टोटल वोट का 20% इज इक्वल टू 6,000, ठीक है ना? तो आप देखिए टोटल वोट 20/100 इज इक्वल टू 6,000, ठीक है ना? ये कटा दिए, ये कटा दिए पांच बार में, ओके, ये गुना हो जाएगा, 5 6 30, 30,000। तो टोटल कितने वोट मिले थे गाइस, 30,000, ठीक है? देखिए चार लाइन में एकदम क्वेश्चंस बन रहा है ना, बन रहा है नहीं बन रहा है, एकदम धड़ाधड़ बन रहा है,
ठीक है ना, दो वाला रहे तीन वाला रहे आपको टेंशन नहीं होना चाहिए, ऐसे ही बनाना है। सब में डिफरेंट आपको पता करना है, जब भी पता करना है ऐसे ही पता करना है, ठीक है ना। आप देखिए चौथा क्वेश्चन से गाइस, चौथा क्या है, हार और जीत में प्रतिशत का अंतर निकालना है, ठीक है ना। लिखा है कि एक त्रिपक्षीय चुनाव में, त्रिपक्षीय समझ में आइए गया, तीन उम्मीदवार तीन प्रत्याशी त्रिपक्षीय, कैसे कैसे क्वेश्चन दे रहा है वर्ड को देख लीजिएगा, कैसे आप लोग घबरा ना जाइए। अब देखिए बोल रहा है कि तीन पक्षीय चुनाव में, ठीक है ना, क्वेश्चंस को पढ़ रहा हूँ आप सुनिए अच्छा से, जबकि ए को कुल मतों का 10% प्राप्त होता है और वह तीसरे स्थान पर रहा, वो कितने स्थान पर रहा, इतना मिला फिर भी वो तीसरे स्थान पर रहा, जबकि बी को 48% मत प्राप्त मिले, जबकि वह 1200 मतों से वो चुनाव जीत लिया, जबकि सी दूसरे स्थान पर रहा, सी दूसरे स्थान पर रहा, तो चुनाव में कुल कितने मतदाताओं ने मत दिया। सब में चीज वही निकालना पड़ रहा है। देखिए क्या है, मान लेता हूँ 100% वोट मिला, टोटल वोट 100% थे, ठीक है ना। ए था, ये बी कैंडिडेट था, ये सी कैंडिडेट था, ओके गाइस। तो देखिए ए को 10% मिला जबकि बी को 48% मिला, तो बच गया कितना, 32% जो सी को मिला, जबकि ये 1200 वोट से भी जीत गया था। क्वेश्चन में यही है ना, यही है हाँ, कि वो 1200 मतों से वो चुनाव को अपना अपने तरफ कर लिया था, ये जीत हासिल किया था 1200 वोट से, ठीक है ना। तो आप देखिए जी, इस पर तो कोई कारनामा ही नहीं हुआ, काम इस पे हुआ, इसका डिफरेंट कितना हुआ, 16% का। तो देखिए टोटल वोट का, टोटल वोट का 16/100 इज इक्वल टू 1200 होगा, कहीं से लीजिए ना, आप टेंशन नहीं लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। तो कितना हुआ गाइस, आप देखिए थोड़ा सा कार्यवाही मैं करता हूँ, आप इससे इसको गुना कर दीजिए ना, 1200 गुना 100/16, ठीक है ना, ये 25 बार में, ये आपका 25 × 100, 4 × 16, ये 3 बार में, तो 25 × 3 = 7500, टोटल कितने वोट मिले थे, 7500। तो इस तरह का क्वेश्चंस मिलेगा तो आपसे क्या हो जाना चाहिए, बन जाना चाहिए, ठीक है ना, क्या हो जाना चाहिए, बन जाना चाहिए, ठीक। तो देखिए एक दूसरा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं गाइस, एक दूसरा क्वेश्चन, हार जीत का अंतर तो निकालना ही है, इसी में से एक दूसरा क्वेश्चन हम लेता हूँ, इतना हो गया ना। तो देखिए मान लेता हूँ इस जगह खाली चेंज कर दिया हम 42%, क्या कर दिए 42%, तो आपसे बनेगा हाँ, तो कितना डिफरेंट हुआ, 6%, तो टोटल वोट का 6% इंटू होगा का, टोटल वोट का 6% इज इक्वल टू 1200 वोट से वो क्या हुआ था, जीत गया था, ठीक है ना। तो टोटल वोट एक्स था इंटू 6/100, ओके गाइस, इज इक्वल टू 1200, ये आपका कट गया 600 बार में, तो ये कितना हो गया, एक्स इज इक्वल टू 60,000, ठीक है ना, कितना हुआ था 60,000, इतने न हुआ 60,000 ने हुआ, दो बार में कटेगा ना, कहीं गड़बड़ तो कर दी है ना, हाँ देखिए ना, 6 बार में कटा दी, हराम का पिल्ला,
ऐसे करते हो अबे, थोड़ा सा मैथ नहीं बनाने आता, सॉरी खुद को गाली दिए, आप लोग को नहीं दिए गाइस, ठीक है ना, ये थोड़ा गलत हो गया था इसलिए मैं खुद को गाली दिया हूँ। तो कितना हुआ, 1200 हुआ ना, 200 हुआ ना, इसे कटा दिए 12, यूँ कट गया दो बार में, दो जीरो तब पीछे मिटा दिए और 100 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 20,000। तो 20,000 कुल उम्मीदवार ने वोट इसको, मतलब कुल 20,000 वोट पड़ा था, कितना वोट मिला था, 20,000 वोट इसको, ठीक है ना, आपको पल्ले पड़ गए होंगे। आगे हम लोग देखते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आप देखिएगा, ठीक है ना, आपसे धड़ास धड़ास बन जाना चाहिए, ठीक है ना। हम आगे देखते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक चुनाव में 20% कितने, ये थोड़ा सा इधर तो हम लोग बोल रहा है क्या, 20% अवैध घोषित हो गए। करीम और रावत दो उम्मीदवार थे, रावत वैद मतों का 40% मत प्राप्त किया, जबकि वह 1600 मतों से पराजित हो गया। तो ज्ञात कीजिए कि कितनी मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया, ठीक है ना, कितनी मतदाताओं ने टोटल, देखो वेद और अवेद, एगो वेद और अवेद दो चीज़ होता है, देखो टोटल 100% वोट मिला था, ठीक है ना। इसमें गाइस एक थोड़ा सा, एक होता है वेद वोट, एक अवैध वोट, ठीक है ना, अवैध वोट होता है ना, हाँ, जबकि अवैध वोट जो मिला था ना, अवैध वोट घोषित कर दिया था, वो 20% था, कितने थे गाइस, 20%, अवैध जो थे वो 80%, 80% में से ही दो लड़का था, वो ए था और बी था, टोटल 100% वोट मिला, जबकि 20% वोट को अवैध घोषित कर दिया, कोई काम का ही नहीं रहा, 80% जो वोट था, 80% वोट में से दो कैंडिडेट थे, एक ए कोई कैंडिडेट थे और बी कोई कैंडिडेट थे, जो कि बोल रहा है यहाँ पे, क्या बोल रहा है गाइस देख लीजिए, ये बोल रहा है कि ए को वेद मतों का 40% वोट मिला और 1600 मतों से वो पराजित हो गए, क्या हो गए, पराजित हो गए, ठीक है ना, किसको, ए को मिला था या बी को मिला था, ए नहीं सॉरी गाइस, ए और बी दो उम्मीदवार थे, जबकि बी को वेद मतों का 40% वोट उसको मिला था, कितना मिला था, 40%, ठीक है ना, कितना मिला था, 40%, ठीक है ना, कितना मिला था गाइस, 40%। तो 1600 मतों से पराजित किया गया, क्या किया गया, पराजित किया गया, तो आप बताइए कुल कितने वोट मिलेंगे। तो मान लिया जाए 80% वोट जो है ये अपने आप में 100% होगा एक मिनट के लिए, जबकि बी को 40% वोट मिला तो 80% का इसको 60% मिला होगा, बात पल्ले पड़ा। मान लिया जाए ये अंगुली छोटा है, ये अंगुली भी अपने आप में 100% है या नहीं है, है ना, उसी प्रकार यहाँ पे मान लिया जाए कि 20% वोट तो अवैध घोषित कर दिया, कोई काम का ही नहीं था, जो ये 80% वोट भी वेद था जो काम का था, उनमें से बी को 40% वोट मिला, कितना मिला
40%, ठीक है ना, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। जबकि ये इसी को मैंने 80% अभी 100% ही समझना होगा आपको, जबकि इन्हीं में से 60% वोट बी को मिला। जबकि कहता है कि इसको जो हार हुआ ना वो कितना वोटों से हुआ गाइस, ये जो हार गया वो 16 सम्मतों से हार गया। तो बताइए 100% अपने आप में ये 100%, इसका डिफरेंट कितने होंगे गाइस, 20% होंगे ना। तो टोटल वोट का 80% 20% इज इक्वल टू 1600। ओके गाइस, एक्स इंटू 80/100 इंटू 20/100 इज इक्वल टू 1600 हुआ ना। 100 कट गया ये 5 बार में, ये 4 बार में, तो कितने हुए ये 4 बार में 425 चौके 100, एक्स इज इक्वल टू 1000 कितने हुए गाइस, 1000 नहीं होगा, 425 चौके 100 और 20 और 10000, इतने उम्मीदवार थे। कितने थे, 10000 उम्मीदवारों का मतों का प्रयोग हुआ था। कितने मतदाताओं का प्रयोग हुआ था, 10000 मतदाताओं का प्रयोग हुआ था। एक देखिए वेद वेद और अवेद पर एक और क्वेश्चंस में ले रहा हूँ अपने मन से, ठीक है ना। आप लोगों को थोड़ा सा समझ नहीं आई होगी अच्छे से, इसीलिए मैं और एक क्वेश्चंस ले रहा हूँ। देखो मेरा कहने की मकसद ये है, आप समझिए, देखिए क्या कह रहा है। टोटल 100% वोट मिलता है गाइस, जबकि इसमें दो प्रकार का ये है, ठीक है ना। अब की बार ये वेद वोट है, यहाँ पे अवैध वोट है, अवैध वोट है। वेद वोट जो है ना वो मान लिया जाए, अवैध वोट कितना है क्वेश्चन में दे दिया है, अवैध वोट या चलो वेद वोट मान लेता हूँ 70% है, ठीक है ना। तो अवैध वोट कितना होगा, 30% होगा। जबकि वेद वोट में दो कैंडिडेट था, एक का नाम था मोहन, एक का नाम था अर्जुन, ARJUN, ठीक है ना। क्या नाम था, अर्जुन, ठीक है ना। तो आप देखिए गाइस, बोल रहा है इसी में से 70% ही 100% कहलाएगा, इस कंडीशन के लिए कहलाएंगे नहीं कहलाएंगे, आए ये जो 70% है ना, अभी मोहन और अर्जुन के अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे मैं ही रहता ना तो 70% को ही हम लोग 100% मानते या नहीं मानते, क्योंकि अवैध वोट 30% घोषित कर दिया और वेद वोट 70% घोषित कर दिया है। तो आप ही समझिए, हम लोग मिलकर इसको समझें। देखिए जी, यही 70% को ही हम लोग को कुछ करना है ना। ओके सॉरी लाइन चला गया।